1974 में इंद्रप्रस्थ कॉलेज में आपने इंदिरा जी ने ये भाषण किया था, और इसलिए कोई भी नई योजना लाए, नई तरीके से लाए, तो कुछ लोगों को उम्र तो बढ़ती है लेकिन समझ नहीं बढ़ती है, तो समझने में बड़ी देर लगती है। कुछ लोगों का ऐसा रहता है, और इसलिए चीजें समझने में बड़ा समय जाता है। कुछ लोग तो समय बीतने के बाद भी चीजें समझ नहीं पाते, और इसलिए अच्छा लगता है विरोध करें, तो वो विरोध करना अपना तरीका ढूंढते रहते हैं। और इसलिए मैं एक पीड़ा कहना चाहता हूं, हमारे देश में बहुत सी दिक्कतें हैं, ज्यादातर ऐसी है जो बहुत पुरानी है, गरीबी, पिछड़ापन, अंधविश्वास, कुछ गलत परंपराएं, कुछ समस्याएं विकास और तरक्की के साथ भी आई हैं, लेकिन इस देश की सबसे बड़ी चुनौती है तेजी से हो रहे बदलाव का विरोध। ये विरोध पढ़े लिखा तबका भी बहुत मुखर तरीके से करता है। जैसे ही कोई खास काम आगे बढ़ता है, 100 कारण बताए जाने लगते हैं कि ये काम क्यों नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है कि एक मजबूत और ऊंची दीवार ने हम सबको चारों तरफ से घेर के रखा है। कितनी सटीक बात है ये, 1968 में इंदिरा गांधी ने कही थी। यहां पर कोई भी बात आई से कहा जाता है कि ये तो हमारे समय का है, ये तो हमारी देन है। कुछ बातें ऐसी हैं जो आप ही की तो देन है। अब हमने एक अभियान चलाया स्कूलों में टॉयलेट बनाने का, अब आपकी बात सही है कि मोदी जी अगर हमने हमारे कार्यकाल में सभी स्कूलों में टॉयलेट बना दिए होते तो तुम क्या करते? ये तो हमने नहीं बनाए, इसलिए तुमने 4 लाख बनाए, ये आप ही की तो देन है। बांग्लादेश की सीमा का विवाद, इतने दशकों के बाद बांग्लादेश सीमा का विवाद सुलझा। आप कह सकते हैं देखो हमने अगर हमारे कार्यकाल में कर दिया होता तो मोदी तुम्हारा अचीवमेंट कहां होता, ये तो तुम्हारे लिए हमने छोड़ के गए थे, आपकी की तो देन है। आपकी की तो देन है। 18,000 गांव, 18,000 गांव आजादी के इतने सालों बाद अंधेरे में डूबे हुए हो, और अगर हम उन गांवों में बिजली पहुंचाए तो आप गर्व से कह सकते हो कि मोदी जी ये 18,000 हमने हमारी तो देन है, तभी तो आप कर रहे हो। और इसलिए ये आप ही की देन है, इसका मैं कोई इनकार नहीं कर सकता। 60 साल के आपके ही कारोबार का ये परिणाम है,
इसका कोई इनकार नहीं कर सकता है। और इसलिए कभी कभी बड़े गर्व के साथ मनरेगा की चर्चा होती है, मनरेगा की चर्चा होती है। ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। मैं जरा कहना चाहता हूं इसका ही इतिहास 50 साल पुराना है, लेकिन उसके पहले भी राजे रजवाड़ों के जमाने में भी ऐसी कुछ न कुछ बातें चलती थी। आप देखिए 1972 महाराष्ट्र की रोजगार गारंटी योजना 1972 में आई, 1980 में नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम NREP 1980 में उसका रिकॉग्निशन हुआ, 1983 में रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम RLEGP ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम आया। ये सब रिइनकार्नेशन होते गए, योजनाओं का पुनर्जन्म होता गया। उसके बाद 1989 में जवाहर रोजगार योजना JRY यही मनरेगा का पिछले जन्म का नाम है। देखिए मैं हैरान हूं, बाद में जवाहरलाल जी का नाम निकाल दिया गया और किसी और ने नहीं निकाला, उसी दल ने निकाला जो हमें कोसते रहते हैं। उसके बाद 1993 एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम EAS सुनिश्चित रोजगार योजना ये आया। उसके बाद वाजपेयी जी की सरकार आई, तो उस समय इन सभी योजनाओं में से जो भी अच्छा था ले लेकर के संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना SGRY ये शुरू हुआ। 2004 में फिर उसमें रिइनकार्नेशन हुआ, नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम काम के बदले अनाज का राष्ट्रीय कार्यक्रम आया। और उसके बाद इसने नया रूप 2006 में लिया मनरेगा। और इसलिए पहले नरेगा और फिर कुछ एक नया ज्ञान हुआ तो फिर वो मनरेगा हुआ। तो ये गरीबों की भलाई के लिए कुछ न कुछ योजनाएं लगातार चलती रही है। ये बात सही है कि आप बड़े सीना तान करके कह सकते हो कि मोदी जी चुनाव में भाषण करना अलग चीज है, तुम कहते हो गरीबी हटाओगे, लेकिन तुम्हें मालूम नहीं हम कौन है। अरे हमने गरीबी की जड़ें इतनी जमा दी है। मोदी तुम उखड़ जाओगे लेकिन इसे उखाड़ नहीं पाओगे। ये बात सही है कि मुझे यहां आने के बाद पता चला कि इतनी जड़ें जमाई हैं आपने। और इसलिए मैंने पिछली बार भी कहा था, इस बात का कोई इनकार नहीं करेगा कि इस देश के 7 साल के कार्यकाल में अगर हम गरीबों का भला कर पाए होते तो आज मेरे देश के गरीबों को मिट्टी उठाने के लिए, गड्ढा खोदने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ता। यह हमारा सफलता का स्मारक नहीं है, यह हम सबको स्वीकार करना होगा। और इसलिए ये हमारा दायित्व भी बनता है कि ये जो क्रमिक विकास चला है इस योजना का, उसको और अच्छी बनाएं, और उस जिम्मेवारी को निभाने का हम प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ये बात स्वीकार करनी होगी कि हम उस हालत पर देश को लाए हैं, इवन स्किल्ड लेबर को भी अनस्किल होने में मजा आने लगा है। और इसलिए मैं जब कहता हूं कि हमारी विफलताओं का स्मारक है, इसका मतलब यही है कि गरीबी न होती तो इस नरेगा या मनरेगा की जरूरत नहीं होती। लेकिन यह सच्चाई है
और मैंने आकर के देखा कि ऐसी गरीबी की जड़ों को जमा दिया गया है कि उसको उखाड़ फेंकने के लिए मुझे भारी मेहनत करनी पड़ रही है। और उसके लिए हम अभी जो फिलहाल जो योजना चली है उसमें जो कमियां है उन कमियों को कैसे दूर करना उसकी दिशा में हम प्रयास कर रहे हैं। मैं आज आदरणीय खड़गे जी ने कहा था कि मनरेगा में भ्रष्टाचार बहुत है, मैं आपके साथ 1000% सहमत हूं, मुझे इसका कोई विरोध नहीं है। आप 2012 के सीएजी के रिपोर्ट को देख लीजिए, क्या ऑब्जर्वेशन किए हैं, कैसे भ्रष्टाचार ने इसके साथ जड़े जमा दी हैं, कैसे गरीबों के नाम पर रुपये लूटे जा रहे हैं, इसकी उसमें चर्चा है, 2012 के सीएजी रिपोर्ट में चर्चा है। और इसलिए हमने उसमें से कुछ सीखने का प्रयास किया है और हम बहुत कुछ सीखना चाहते हैं। और सीखने का प्रयास करके उसमें जो चीजें थी उसमें से बाहर निकाल करके फुल प्रूफ कैसे बने, जरूरतमंदों को कैसे मिले, उस पर काम करेंगे। सीएजी ने एक बहुत बड़ा ऑब्जर्वेशन किया है और वो चौंकाने वाला है। हमारे देश में जिन राज्यों को हम गरीबों की श्रेणी में गिनते हैं, जहां गरीबों की संख्या ज्यादा है, सीएजी ने लिखा है कि जहां गरीबों की संख्या कम है और कुल मिलाकर के शासन व्यवस्था थोड़ी सुचारू रूप से चली है, ऐसे राज्यों में नरेगा का मनरेगा का मैक्सिमम उपयोग हुआ है। लेकिन जहां सचमुच में गरीबी है, जहां सबसे ज्यादा जरूरत है, वहां इसका कम से कम उपयोग हुआ है। मतलब ये गरीबों को टारगेट करके पहुंचाने में हम उतने सफल नहीं हुए हैं। और इसलिए हमारी दायित्व तो बनता है कि हम इसको और अधिक परफेक्ट कैसे बनाएं, ताकि जिन राज्यों में गरीबों की संख्या की मात्रा ज्यादा है, जिस राज्यों की गरीबी ज्यादा है, ये उस तरफ कैसे जाए। समृद्ध राज्यों की क्षमता है इन सारी चीजों को व्यवस्था में भरें। हमने उस दिशा में हमने कोशिश की है कि ऐसे राज्यों को ये कैसे पहुंचे। हमने जैम योजना के साथ जनधन आधार एंड मोबाइल, ये पैसे डायरेक्ट बेनिफिशियरी को पाई, उसकी दिशा में बड़ा अभियान चलाया है। तो उसके कारण बिचौलियों की संख्या नष्ट करने में शायद हमें सफलता मिलेगी। और इसलिए मैं समझता हूं कि ये जिस मनरेगा का हम इतनी बड़ी तारीफ करते हैं, सीएजी ने कहा है कि 7 साल के बाद भी 5 राज्य ऐसे थे जिन्होंने रूल्स भी नहीं बनाए। और दुख इस बात का है कि उन 5 राज्यों में 4 वो थे जो इस मनरेगा के गीत गाते हैं, कि जिन्होंने 7 साल के बाद भी रूल्स नहीं बनाए थे। और इसलिए इवन यूनियन टेरिटरीज उसमें भी ये कठिनाई ध्यान में आई है। उसी प्रकार से आठ राज्यों में 4 ब्लॉक लीजिए, ऐसा मत प्लीज, नहीं नहीं ये ठीक नहीं, प्लीज प्लीज ये अच्छा नहीं, ये अच्छा नहीं। 24 तास रहा एक पाउल पुढ़े।